तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे फर्स्ट आफ्टर वैक्सीनेशन। आपने देखा ही है कि कल मैं गया था तो वैक्सीनेशन कल लगवाई है। तो बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन होता है कि जैसे वैक्सीनेशन हुआ तो उसके बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें बुखार आ रहा है, कुछ लोग को खांसी जुकाम की भी दिक्कत, कुछ लोग को इतनी दिक्कत हो, तो कुछ लोग को ये भी दिक्कत आई है। सुनने में उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं। खैर, जहाँ तक कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन उनका हुआ है, तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये बेसिकली आई थिंक उनके साथ होता है जिन्हें कोई पहले से कोई बीमारी है, जिनका कोई इलाज चल रहा है और वो डॉक्टर को बिना बताए वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। मतलब अगर आपको कोई बीमारी है, कोई आपका पहले से इलाज चल रहा है डॉक्टर के पास, तो जब वैक्सीनेशन कराने जाते हैं या फिर आपका जो डॉक्टर है जिससे आप इलाज चल रहा है उससे पहले ज़रूर कंसल्ट कर लें कि मेरे को वैक्सीनेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो जहाँ तक है मेरा वैक्सीनेशन के बाद मेरा जो है कि मेरे को ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके बाद मुझे बुखार या फिर कोई एलर्जी टाइप या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब जैसा मैं पहले था वैसे फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, ना बुखार आया, ना कोई ऐसी दिक्कत आई, ना किसी चीज़ की एलर्जी हुई है। जैसे मैं परफेक्ट हूँ, मतलब जैसे था वैसे ही हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो जितने भी लोग हो आप जो वीडियो देख रहे हो तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। तो अपने फ्रेंड्स या फिर उनके अपने फैमिली मेम्बर सबको वैक्सीनेशन कराने की ज़रूर कहें। और अगर कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि वैक्सीनेशन के शेड्यूल कैसे लिया जाता है या रजिस्टर्ड कैसे लिया करा जाता है, अगर ऐसे कोई किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे शेड्यूल आपको मतलब रजिस्टर्ड करना है, कैसे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना है, इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो इस मैं आप कमेंट कीजिए नीचे। इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी कोई और क्वेरी है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं किसी से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी अगर कोई क्वेरी है किसी चीज़ को रिलेटेड, वैक्सीनेशन को रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट करें। ओके, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।